वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप आप ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। और सुबह सुबह देखिए मेरे गोदी में कौन है, ये देखिए मेट माय सन। तो छोटू को आज गोदी में लेके रखे हुए हैं। स्पेक बूम और मनी प्लांट को हम अपने खिड़की पे लगाए हुए थे, बट गाइस अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता ना कि मेरे एब्सेंस में इसको कोई केयर नहीं करता है, जिसके वजह से ये मतलब ग्रो भी नहीं कर पा रहा है। और गाइस मुझे आज भी याद है, ऑफिस में ICICI म्यूचुअल फंड की तरफ से ये स्पेक बूम का पौधा मिला था, जो कि भैया फेंक दिए थे। और एक बैम्बू का पौधा मिला जो जापानीज प्लांट होता है, तो भैया उसको फेंक दिए थे या किसी को दे दिए थे। तो आज मेरे को इसकी अहमियत का पता चल रहा है गाइस। दिस इज़ द ट्रू एयर प्योरीफायर। अगर आपके घर में 5-6 पौधा है स्पेक बूम का, दैट मीन्स योर एनवायरमेंट इज़ क्लीन। सो गाइज एवरीवन, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज प्लांट स्पेक बूम ट्री प्लांट। परसों एक और प्लांट मिला था मेरे को, फ्लावर प्लांट है, तो उसको मैं उठा के इधर साइड में लगा दिया था एक पॉट में। दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये कौन सा पौधा है मुझे पता नहीं, बट पौधा है तो मतलब नेचुरल चीज है, इसको हम उठा के रहता। और एक गुआवा मतलब अमरूद का पौधा हुआ है गाइज। पापा यहाँ पे पानी नहीं लगे, तो उसी का पेड़। दादी सब पानी दे दी। तो हम फोन करके कह दे छी हैं, कहाँ जा रहे हो आप, पढ़ाई हो गया? खराब चना दे दिए, जाओ चेंज करवा के आओ। गाइस माँ माँ होती है, ये मेरे गोदी में नहीं रहा, इतना बदमाश है, और चला गया मम्मी के गोदी में। ये देखिए मम्मी गोदी में सो भी गया, सो गया। और दादी आई है इसको मसाज करने के लिए, बट सो गया। दवाई लेने के लिए बाजार, बट दवाई मिला नहीं क्योंकि दुकान बंद था। और उसके बदले देखिए कितना सारा सामान लेके आया है वो, चलिए आपको भी दिखाते हैं। क्या क्या लाया हो दिखाओ ब्लॉग में। बिस्किट लाया है, चोको लाया है, ये लाया है, ऑरेंज गुलकंद लाया है, ग्लूकोज लाया है, ये लाया है, गिटार लाया है। तो कितना चीज लेके आया है गाइस, देख रहे हैं। गया था दवाई लाने के लिए, बट दवाई मिला नहीं, इसके बदले ये लेके आया है, ये सब लेके आया है। और वो जबरदस्ती ये लिया है, ये चोको बोला है केलॉग्स का चोको, ये हम खाएंगे, और खाता नहीं है गाइस, लेके फेंकेगा, फेंके हुए ना। तो गाइस अब टाइम हो गया है 8:40, अब हम तैयार होते हैं ऑफिस के लिए, आपसे मिलते हैं इन द ऑफिस ब्लॉग। बैक टू माई ऑफिस ब्लॉग गाइस, 10:15 टाइम हो गया, और आज ऑफिस पहुँचने में हमको लेट हो गया है। सर फोन भी किए थे बट हम फोन उठाए नहीं, बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग। और मीनाल अभी नीचे गया है, सर बुलाए फ़ोन करके, उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ था। तो गाइस आज कुछ होने वाला है, फटाफट ऑफिस ब्लॉक का स्टार्ट करते हैं और चलते हैं ऑफिस में। फिर टाइम हो रहा, हम निकल गए दिन का पहला काम लेके, बट मीनाल मेरे को फ़ोन किया, हम उससे पहले निकले बट हम बैंक में थे, तो मीनाल मेरे को फ़ोन किया कि चाय के दुकान पर रुकते हैं, और वो देखे बैठा हुआ है, ये देखे बैठा हुआ है। दो चाय दो गाइस। गलती की हमें सारा पेड़ को यहाँ पे लाके, काका सारा पेड़ को सुखा दिए, वो देख रहे जामुन का पेड़ वो भी ऑलमोस्ट सूख चुका है, ये सब पेड़ भी सूख चुका है। तो गाइस अभी इसको पहले वाटरिंग करेंगे, चाय पियेंगे काका के पास, उसके बाद काम पे निकलेंगे। काम हो गया और आज शनिवार है तो पूरा रास्ता खाली है, देखिए स्टैंड रोड का नज़ारा है कुछ, सुबह का धूप देख रहे गाइस, भयंकर धूप है, बट दूसरे दिन से कम है, दूसरे दिन 40-42 रहता है, आज 37 डिग्री है अभी का टेम्परेचर। अभी बड़ोठनी एकादशी, आज एकादशी है गाइस, तो आज बाहर का कुछ खाएंगे नहीं, और घर से भी कुछ नाश्ता करके नहीं आए थे, अंदर बैठ के कंप्यूटर पे ही काम कर रहे थे, कौशिक का जितना काम है। तो गाइस आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइस आज एकादशी के मौके पर मेरी वाइफ मेरे को क्या क्या दी है ये नहीं, पूरी, आलू का भुजिया, आम का रस और संदेश मिठाई। तो गाइस मैं तो उपवास कर नहीं पाता हूँ, एकादशी का उपवास करना बहुत ही उत्तम होता है। सो फाइनली गाइस बाहर जाने का मौका मिला, आई गॉट अ चांस टू गो आउटसाइड, तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू द शरद बोस रोड। तो अभी टाइम हो रहा 2:45, और अभी जाके हमको काम मिला है, कंप्यूटर का काम खत्म हुआ तो बाहर का काम मिल गया। भैया पूछ रहे रुकाऊंगा, कोई काम नहीं है ना, उसको बाहर भेज रहे, तो अभी चल दिए हैं शरद बोस रोड का काम करने की। और 2:45 टाइम हो रहा, तो आते आते छुट्टी का टाइम हो ही जाएगा, चलते हैं गाइस फटाफट वहाँ का काम कर लेते हैं, करके ऑफिस में आते हैं। 2:05 टाइम हो रहा, मेरा काम हो गया यहाँ। और गाइस ये आम का पेड़ दिख रहा है,
ये आम का पेड़ कट जाएगा आज, इसका एक डाल कटेगा क्योंकि इसका डाल सब टूट टूट के गाड़ी पे गिरता है, जिसकी वजह से डाल को काट दिया जाएगा। तो गाइस फटाफट ऑफिस चलते हैं। गाइस आई एम इन ऑफिस, गेस व्हाट, इन विच टाइम, ओनली 40 मिनट्स, 40 मिनट में ऑफिस हो गया। और ये देखिए जब बंदा जा रहा है गाइस 40 मिनट में आ गया सरद बोस रोड का काम करके। और गाइस एक चीज़ बताना भूल ही गया, आज कल एक नया लड़का अपॉइंट हुआ अपने ऑफिस में, ही विल जॉइन द ऑफिस फ्रॉम द मंडे। तो गाइस चलते हैं ऑफिस, अब छुट्टी का टाइम होगा। तो गाइस 3:12 टाइम हो गया और शनिवार का ऑफिस डे हम लोग का दी एंड यहीं पे होता है। तो गाइस ये अभी जाएगा शायद, कहाँ जाओगे कुछ काम है तो ये अपना साइड बिजनेस देखने जाएगा। तो गाइस ससुर जी फ़ोन किए थे तो उनके पास हो सके तो अभी जाएंगे, बट जाएंगे तो टुकू का कराटे क्लास में लेके जाना, वहाँ जाने पर लेट हो जाएगा। इसका ससुर जी जो है ना बहुत अच्छा है, क्या। तो गाइस ऑफिस ब्लॉग का दी एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे होम ब्लॉग में। और मीनाल को भी गुड नाइट बोलते हैं, लिफ्ट चला गया तो कोई नहीं, मीनाल को गुड बाय बोलते हैं, गुड नाइट नहीं गुड बाय सॉरी। चीज़ तो बताना भूल ही गया, मंडे से मीनाल का दोस्त आ रहा है, इसका कलीग आ रहा है, नया लड़का अपॉइंट हुआ है तो वो मंडे से आ रहा है। लेकिन आने से पहले ये क्या बोल रहा है कि कितना दिन काम करेगा, यही तो सबसे बड़ा बात है। अरे हम खुद नहीं बोले, यही बोले सबका मन में यही एक ही प्रश्न है। तो मैं 3 साल से हूँ इस ऑफिस में, 20 लड़का छोड़ के गया काम। हम लोग चाहते हैं कि नया लड़का कोई काम करे, हम भी नया है इस कंपनी में, लेकिन हम पहले से जान पहचान था इसलिए ये सर्वाइव कर गया, सर्वाइव कर लिया। और दूसरा कर पाएगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है गाइस। तो गाइस मिलते हैं होम ब्लॉग में, चलते फटाफट ससुर जी से मिलते हैं, मिलके फिर घर चलते हैं। एवरीवन वेलकम बैक टू रूपम चौधरी होम ब्लॉग वंस अगेन। गाइस घर पहुंच के एकदम थका हुआ था तो फ्रेश हो लिया, फ्रेश होकर अभी टाइम हो गया, 5:05 बाकी है और चलते हैं डुगू को लेके कराटे क्लास। और ये बाबू मोसाई सोए हुए हैं, लुक एट हिम वंस। तो गाइस फटाफट चलते हैं डुगू को लेके उसे कराटे क्लास। और डोडो तैयार हो गया, तैयार हो, चलो चलो चलो। और गाइस और एक जन को देखिए, ये देखिए कुछ हाय बोल दो ब्लॉग में। तो गाइस चलते हैं डुगू को कराटे क्लास छोड़ के आते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच गए कराटे क्लास डुगू का, जल्दी चलो। और क्लास भी स्टार्ट हो ही गया, ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गया और हम डुगू को कराटे क्लास से लेकर निकल गए। और रास्ते में देखिए वो क्या खरीदा है, क्या खरीदा है, देखिए क्या खरीदे हो, फ्रूटी लिया है गाइस। जल्दी फटाफट इसको लेके इसको घर पे रख के उसके बाद दुकान भी आना है। गाइस प्रैक्टिस से आने के बाद फ्रूटी पिया, और फ्रूटी पी के आने के बाद ये घर में क्या बोल रहा है, क्या चाहिए तुमको, कुछ भी नहीं। अभी तो स्टिंग बोल रहा था, रेड स्टिंग, व्हाइट स्टिंग, ब्लू स्टिंग, क्या क्या बोल रहा था। तो गाइस अब इसको शांत करके हम दुकान के लिए निकलते हैं, दवाई वाई खा लेते, दवाई का डब्बा लेके बैठे हुए हैं। जाने के बदले डोडो को लेके पढ़ाने के लिए बैठ गए हैं, अब इसके सर आने वाले हैं पर ये उसको लर्न हुआ नहीं है ठीक से, तो अभी इसको याद करवा रहे हैं। मम्मी उसको उधर से नाश्ता करवा रही है, तो अभी उसके याद करवाने के बाद फिर दुकान जाएंगे। दुकान जाने से पहले कस्टमर अभी जस्ट फ़ोन किया तो उसके घर जाएंगे उसका पीसी देखने के लिए, उसे पीसी बोल रहा है कल रात में जल्दी जल्दी अचानक बंद हो गया, वो अगर हो सके तो वो रिपेयर करेंगे फिर दुकान जाएंगे। पहुँच गए हैं, टाइम देखिए 8:10 बाकी है और कस्टमर के घर चले गए थे, वहाँ पर थोड़ा सा काम किए, काम करके आ गए, उसका पीसी बना नहीं, पीसी कल चेक करेंगे फिर से क्योंकि उसका SMPS ख़राब था, SMPS। तो गाइस अब दुकानदारी स्टार्ट कर, थोड़ा शाम दे लेते भगवान जी को, काटे उकाटे दिखा लेते फिर दुकानदारी स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग टाइम देख लीजिए 10:20 टाइम हो गया है और घर जाने का टाइम हो गया। गाइस आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। और गाइस छोटे बेटे के लिए दवाई लेना है तो पैसा ले लिए कुछ, इसलिए दवाई लेना है। और एक कस्टमर का काम था, वो फ़ोन करके शाम से परेशान कर रहा था बट लेट हो गया तो उसको जा नहीं पाया देने के लिए डॉक्यूमेंट। और घर के बगल का एक कस्टमर का था कुछ लैमिनेशन करना तो वो लैमिनेशन कर लिए, अभी लेके जा रहे हैं, उससे रात में पेमेंट ले लेंगे। और दवा आज नहीं लेंगे, दवा कल ले लेंगे, पैसा आज ले लिए तो सुबह में जाकर दवा ले लेंगे। तो गाइस मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। ऐसे अपने डेली ब्लॉग में तो कुछ होता नहीं है पर जो भी होता है आप लोग सब देखते ही है, तो अच्छा लग रहा है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, जय श्री राम, राधे राधे, टेक केयर।